subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। हसन अब्दाल, चाहता हूं पाकिस्तान को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वजीर आजम कहते हैं नए पाकिस्तान के सफर में रेलवे का बहुत अहम मुकाम है। अब मईशत उठनी शुरू हो गई है और तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना के फैलाव में शिद्दत, वायरस से एक ही दिन में मजीद 30 अफराद जान बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1376 नए केसेस की तशखीस हुई है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत ऐसे इकदाम से अकलियतों के साथ सुलूक से तौजा हटाना चाहता है। बीजेपी हुकूमत मजहबी मुनाफरत चाहती है। जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर में जब बराह रास्त नाम सुने तो उन्हें धचका लगा। ये तस्लीम करना चाहूँगा कि तरक्की पसंद जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है, जबकि कमज़ोर जमहूरियत आमरियत से कई दर्जे बेहतर है। Greenish hand sanitizer, Ala clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नए पाकिस्तान में जिसका जो भी मज़हब है सब बराबरी के शहरी हैं। करतारपुर राहदारी तामीर करके हमारी कोशिश थी कि सिख बरादरी के लिए आसानियां पैदा हों। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान के सफर में रेलवे का बहुत अहम मुकाम है, क्योंकि ये आम और गरीब आदमी की सवारी है। बदकिस्मती से हमने अंग्रेज़ के दिए गए रेलवे निज़ाम को तरक्की नहीं दी, बल्कि उसमें भी 50 किलोमीटर पटरी कम कर दी। ML1 से पाकिस्तान में पहली बार रेलवे में सबसे बड़ी सरमायाकारी आ रही है। ML1 बनने के बाद कराची से लाहौर का सफ़र सिर्फ 7 घंटे का रह जाएगा और इंशाल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और कर्जे ना मांगने पड़े। बदकिस्मती से हमें मकरूज पाकिस्तान मिला था, हमें हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन अब मईशत उठनी शुरू हो गई और तेजी से आगे बढ़ रही है। जो मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े, जो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। इमरान खान का कहना था कि हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से सिख बरादरी को बहुत सहूलत मिलेगी। सियाहत को बेहतर बनाने के लिए हमें हर तरह की सहूलियात देनी है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान ऐसा मुल्क जहां बाहर से लोग सियाहत और मजहबी ज्यारतों पर आएं। अगर हम सिर्फ अपनी सियाहत को तरक्की दे लें तो हमें कभी बाहर से, चाहे IMF हो या कोई मुल्क, उससे कर्जा ना मांगना पड़े। क्योंकि ये समझ जाएं कि सिर्फ अगर हम टूरिज्म को डेवलप कर लें, सिर्फ टूरिज्म डेवलप कर लें, तो हमें कभी किसी बाहर से, ना IMF से, ना किसी मुल्क से कभी भी कर्जा मांगना ना पड़े। कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6923 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,40,251 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1376 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 105,856, सिंध में 148,343, खैबर पख्तूनख्वा में 40,148, बलोचिस्तान में 16,033, गिलगित बल्तिस्तान में 4,332, इस्लामाबाद में 20,967 जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,572 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 40,09,513 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,745 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,17,086 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं जबकि 830 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाबहक हुए जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,923 हो गई। पंजाब में 2,390, सिंध में 2,664, खैबर पख्तूनख्वा में 1,287, इस्लामाबाद में 231, बलोचिस्तान में 152, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 107 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय घिनौना प्रोपेगेंडा करतारपुर राहदारी को मुतनाज़ बनाने के लिए है। भारत को मशवरा है अपने मुल्क में अकलियतों के हकूक पर तवज्जो दे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने जारी बयान में कहा कि करतारपुर राहदारी पर भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा खुद सिखों की प्रबंधक कमेटी भी मुस्तरद कर चुकी है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय घिनौना प्रोपेगेंडा करतारपुर राहदारी को मुतनाज़ बनाने के लिए है। भारतीय घिनौना प्रोपेगेंडा सिख बरादरी के मफाद के बरखिलाफ है। भारत ऐसे इकदाम से अकलियतों के साथ सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहिबान मजहबी रसूमात के लिए जिम्मेदार है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मतरूका वक्फ इमलाक के जेर इंतजाम कायम की गई PMU का काम प्रबंधक कमेटी को सहूलतें फराहम करना है। उनका कहना था कि प्रबंधक कमेटी से इख्तियारात की PMU मुंतकली हकायक के मनाफी है। ऐसे बयानात से हिंदुत्व पर अमल पैरा BJP हुकूमत मजहबी मुनाफरत चाहती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सिख बरादरी गुरुद्वारा खोलने पर पाकिस्तानी काविशों की मोतरफ है। भारत को मशवरा है अपने मुल्क में अकलियतों के हकूक पर तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गुजरांवाला जलसे में फौजी क्यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था और इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने जनरल बाजवा या जनरल फैज का नाम नहीं लिया था। APC में ये बहस हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाना चाहिए, जिस पर फैसला हुआ था कि नाम इस्टेब्लिशमेंट का लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था और इंतज़ार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर में जब बराह रास्त नाम सुने तो उन्हें धचका लगा, क्योंकि आम तौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते और हमारा एजेंडा हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाली करारदाद में वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो ने कहा, PDM ये नहीं चाहती कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। ये ना तो हमारी करारदाद में मुतालबा है ना ही ये हमारी पोजीशन है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो वो 3 बार वजीर आजम रहे हैं और मुझे यकीन है कि उन्होंने वाज़े और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।